नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। आप सबको रोज ही इंतजार रहता है कि कब सब रंग की शुरुआत हो और हम सब सुंदर सुंदर बातों को सुने, राइट? हमें भी इंतजार रहता है आप सबसे रूबरू होने का, कि कब आपसे मुखातिब हों और कुछ सुंदर बातों की हम लेन देन करें, क्योंकि सब रंग कार्यक्रम का ध्येय ही यही है कि कुछ सुंदर सी शिक्षाएं, सुंदर सी बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने वाली हैं, उन पर चर्चा हो, और न केवल चर्चा हो लेकिन हम उसे जीवन में भी उतारें ताकि जीवन खूबसूरत हो जाए। लक्ष्य यही रहता है हम सबका कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, अपने ध्येय की ओर बढ़ें। और जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें रोज़ सुबह प्राप्त होती हैं तो मन ऊर्जा से भर जाता है, उत्साह से भर जाता है और लगता है कि निश्चित रूप से हम उस ओर बढ़ेंगे ही। तो आइए सुवाक्य से शुरुआत करते हैं, जैसे कि प्रतिदिन हम करते हैं, क्योंकि सुवाक्य हमें हमेशा ही सुंदर विचार से भर देता है। ओम शांति। कहते हैं जिंदगी दिल की धड़कन की तरह होती है, जिसमें उतराव और चढ़ाव आना अनिवार्य है। यदि लाइन फ्लैट हो गई तो जिंदगी नीरस सी हो जाती है। इसलिए जीवन में जितना चढ़ाव का महत्व है उतना ही उतराव का भी महत्व है, क्योंकि हमारे उतराव हमें बहुत से सबक सिखाने के लिए आते हैं, और जब तक हम ये सबक सीख नहीं लेते तब तक आते ही रहते हैं। और जब हम सीख जाते हैं तो हम ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, और ऊपर उठने के बाद यदि हमसे कोई गलती हो जाए या हमें अभिमान आ जाता है तो हम फिर से उतराव की ओर आ जाते हैं। इसलिए उतराव और चढ़ाव की इस गतिमान जिंदगी का आनंद उठाते रहें। जब आप ऊपर उठें तो अभिमान ना करें, और जब नीचे आएं तो हताश ना हो जाएं। अपने दृष्टिकोण को सदा सकारात्मक रखें। यकीन मानिएगा, आपको उतराव में भी चढ़ाव का आनंद आने लगेगा। ओम शांति। कितना प्यारा सा सुवाक्य। सचमुच यदि इसे हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सुनने में जैसे ये कितना अच्छा लगता है, जीवन में उतर जाए तो सचमुच जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, औरों के लिए प्रेरक हो जाएगा, है ना? तो हम सब यही संकल्प रोज़ करते हैं कि रोज़ के सुवाक्य को ही हम अपने जीवन में उतारेंगे, और आप सब इस पर अमल भी अवश्य करते होंगे। साथ ही मित्रों, स्वास्थ्य की बात जब आती है तो हम सब एक बात जानते हैं, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। सचमुच यदि हमारा मन खुश रहता है तो हम हर प्रकार के व्यवधान, जो शारीरिक व्यवधान हैं, उनसे मुक्त रहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहते हैं, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। और यदि बीमारियां आ भी जाती हैं तो जो व्यक्ति खुश रहता है जल्दी से अपनी बीमारियों से निजात प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आपकी सेहत आपके हाथ में, जो सुंदर बातें हम रोज़ लाते हैं वो तो आप सुने ही, उस पर तो ध्यान दें ही, लेकिन साथ साथ अपने मन को भी हमेशा खुश रखें। आइए चलते हैं स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जो हमारी आंतें हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरा पाचन तंत्र शरीर का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। यहीं से हमारी इम्यूनिटी बनती है। इसका स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और नीचे तक जाता है, रेक्टम एनल कैनाल तक जाता है। हमारा जीआईटी सिस्टम ब्रेन से बात करता है। इसको ये भी कहा जाता है कि ये सेकंड ब्रेन है बॉडी का। ब्रेन में, मन में जो भी होता है उसका असर हमारी आंतों पर आता है। इसीलिए आंतों के प्रॉब्लम बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें एसिडिटी है, अल्सर है, मुंह के अल्सर है, फंगस इन्फेक्शन है, कॉलोनिक कैंसर है, कोलाइटिस है, कई तरह के इन्फेक्शन इस ट्रैक्ट में रहते हैं। 70% इम्यूनिटी हमारी आते हैं जीआईटी है, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में भी इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही साथ कई साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो हमारी आंतों को असर करते हैं।
जिनमें हमारी चिंता है, ओवरथिंकिंग है, एंजाइटी है, इमोशनल स्ट्रेस है, हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, लेट गो नहीं करते हैं, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी आंतों की हेल्थ को ख़राब करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक रखें, साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक रखें, और जो नेगेटिव फैक्टर हमारे में है, हमारी पर्सनालिटी में है, उसको ठीक करें। और उसका बहुत अच्छा उपाय है राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आता है, और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथिक और पैरासिंपैथिक दोनों का बैलेंस आ जाता है, जिसके कारण हमारे ग्रोथ आंतों की और बैक्टीरिया की, पॉजिटिव बैक्टीरिया की अच्छी रहती है। तो आइए हम अपनी आंतों को ठीक रखें, अपने मेडिटेशन को रेगुलर रखें और अपनी चिंताओं को कम करते रहें। ओम शांति। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जयशंकर प्रसाद जी की ये सुंदर पंक्तियां सचमुच बहुत प्रेरित करती हैं। सचमुच यदि जीवन सपाट हो तो जीवन में आनंद ही नहीं रहेगा। कोई भी हम नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वही उसका आनंद होता है। और हम नायक को हमेशा ही इस रूप में देखना चाहते हैं कि कितनी भी विपदाएं, परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो हर परिस्थिति से सकुशल बाहर आ जाए, अपने धैर्य और संयम को ना खोए, जीत प्राप्त करे। सचमुच वही तो नायक होता है, और आप सब भी ऐसे ही अपने जीवन में नायक की तरह आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा हमें पूरा पूरा विश्वास है। और ऐसे ही नायकों को, विशिष्ट जनों को हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पर, ताकि उनके भी अनुभव से हम प्रेरित हो सकें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया है। आइए देखें अपने अगले सेगमेंट में। तो अभी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पटनायक जी आप अटेंड कर रहे हैं, तो इसका विशेष थीम यही था कि सकारात्मक परिवर्तन में ये जो जनसंचार माध्यम है उनकी भूमिका। तो किस प्रकार के विशेष मतलब चर्चा यहाँ पे हुई और क्या बातें निकल के आई कि क्या क्या जनसंचार माध्यमों की भूमिका होनी चाहिए यदि हम एक समाज में सुंदर और सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं? बात तो ये है कि सारे देश भर के जो मीडिया लोग हैं जी, मालिक और पत्रकार सब इकट्ठे हुए हैं जी, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। अगले दो दिन तक उनको किसी भी इसकी चिंता नहीं है, डेडलाइन की चिंता नहीं है ये मुझे अभी स्टोरी फाइल करना है। बिल्कुल, मेरा राइवल तो ये एक टेंशन बना रहा है। कुछ टेंशन नहीं है जी। मीडिया वालों के बीच बीच में ऐसे इकट्ठे करके अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए एक अवसर मिलना, ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है मेरे ख्याल से जी। और मुझे लगता है कि ये लोग जब बैठेंगे, एक दूसरे को एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ निष्कर्ष निकलेगा ही निकलेगा। और ये जो परिवेश यहाँ का है विश्वविद्यालय की, और जिस तरह से आप लोगों की सेवा सब लोग देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मीडिया वालों का जो मानसिक द्वंद्व है जी, यहाँ आने से उसका हल निकालने के लिए उनको कुछ उपाय जरूर मिलेगा। क्योंकि मीडिया वालों का ये द्वंद्व है जो है जी जी, वो कलम के धनी होना चाहिए लेकिन वो चाहते हैं हम भी औरों जैसा धनी होंगे, मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ा घर होना चाहिए, मुझे भी मिनिस्टरों का 3-4 फोन रोज आना चाहिए, और समाज में मेरी इज्जत जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये अपेक्षा रखना मीडिया वालों के लिए उनके हित में नहीं है कि समूह के हित में नहीं है जी, जी, जी। यहाँ आने से जो लोग सेवा दे रहे हैं, कौन किस लिए 1000 लोग यहाँ सबकी सेवा में लगे हैं, मीडिया वालों को अगर उस मानसिकता से प्रभावित होने में थोड़ा सा अगर 2-3 दिन में अगर कुछ प्रभाव लेके जाएं, काफ़ी आगे वो करने में सफल होंगे, मुझे ये लगता है जी, जी, जी। मैं सोचता हूँ कि यहाँ जब मैं देखता हूँ कि कैसे चलता है ये सब लोग, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आके 10 साल से 20 साल से
19 साल से यहीं माउंट आबू में वो सेवा दे रहे हैं, कोई पीस पार्क में पड़ा हुआ है तो कोई रोटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये कर रहा है, ये सब सेवाएं दे रहा है जी, जी। तो मीडिया वाले अगर ऐसे हो जाए सेवा भाव, मानसिकता ऐसा होना चाहिए जी, जी। कि मुझे कुछ देना है, मेरा पाठक मेरा दर्शक मुझे जो सुनता है जो देखता है उसको कुछ चाहिए, क्या चाहिए, अगर वो सही चीज जानेगा ताकि वो तय कर पाएगा। मित्रों कहीं बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हुई थी कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो पल ऐसे निकालो प्यार कर लो भगवान से। सचमुच जिंदगी में हम देख रहे हैं कितनी आपाधापी लगी हुई है, काम तो इतना है कि जितना करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ये पंक्तियाँ हमें प्रेरित करती हैं सचमुच कि हम कुछ पल तो ज़रूर ऐसा निकालें जिसमें हम ईश्वर का ध्यान कर लें, ईश्वर को याद कर लें, अपने आप को देख लें और केवल काम में ना लगे रहें लेकिन कुछ पुण्य कर्म भी कर लें, आध्यात्मिक साधना कर लें, अपना आत्म उत्थान कर लें। और इस ओर ही ध्यान दिलाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें जो श्वेत वस्त्र धारिणी हैं और जगह जगह जा कर के, गांव गांव शहर शहर जा कर के सभी को अध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि यही वास्तव में जीवन के संपूर्ण सत्य की ओर हमें लिए चलता है। आइए देखें उनकी सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ब्रह्मा कुमारीज कुशीनगर में 5 दिवसीय विविध कार्यक्रम के तहत धर्मपुर स्थित शिव ज्योति भवन में चिकित्सकों एवं विशिष्ट जनों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सुप्रसिद्ध प्रशिक्षक बी के प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई ने तनाव प्रबंधन के बेहतरीन विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के मीरा बहन, बी के विपिन भाई, डॉक्टर सी पी गुप्ता जी, डॉक्टर ए के पांडे जी, बी के रीना बहन एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे। सभी मंचासनों ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा उपस्थित सभी विशेष मेहमानों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गयी। इस मौके पर कुमारी महक द्वारा एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गयी। कार्यक्रम में काफी संख्या में भाई बहनों ने हिस्सा लिया और सफलतापूर्वक कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों कहते हैं शरीर में जो काम श्वास करता है संबंधों में वही काम विश्वास करता है, इसीलिए दूसरों पर विश्वास बनाए रखें और साथ ही दूसरों का विश्वास भी स्वयं पर बनाए रखें। स्वयं पर भी विश्वास रखें कि मैं जो कर रहा हूं अवश्य उसमें सफल होऊंगा। कई बार हम खुद पर भी विश्वास नहीं रखते इसीलिए असफल होते रहते हैं। संबंधों में भी विश्वास रखें क्योंकि संबंधों में विश्वास होगा तभी हम एक दूसरे के साथ स्नेह और सम्मान की डोर में बंधे रह सकेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ऊपर वाले पर भी विश्वास ज़रूर रखें, वो साथ हैं तो जीवन की हर राह आसान है, हर मुश्किल सरल हो जाती है और हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। तो मित्रों स्वयं पर, औरों पर और ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए आप अपने जीवन के ध्येय की ओर बढ़ें। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।